हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को था संडे, तो संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो आप सबको पता है आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स, जिसको आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो आज हम सेवन्थ और एट्थ इंपॉर्टेंस करने वाले हैं। टोटल 10 इंपॉर्टेंस है, पहले की मैंने आपको करवा दी थी आगे वाली क्लासेस में। आज हम सेवन्थ और एट्थ पढ़ेंगे। आप सबको पता ही है कि हम दो दो इंपॉर्टेंस हर रोज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर दो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस करती हूँ फिर क्लास लेंथी हो जाती है, फिर आपके कमेंट आते हैं कि मैम क्लास लेंथी हो रही है। तो टॉपिक लिख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। सेवन्थ और एट्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं फटाफट से। सेवन्थ इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूवमेंट्स इन कस्टमर सर्विस। ठीक है, क्या है आपका इम्प्रूवमेंट्स इन कस्टमर सर्विसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हो। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर सर्विसेज। देखिए, जो हम लॉजिस्टिक्स या हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसमें हमारा मेन एम यही रहता है कि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डिलीवर द राइट गुड टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम एंड प्लेस। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है लॉजिस्टिक का, कि हम सही कस्टमर को सही टाइम पे सही जगह पे हम सामान पहुंचा पाएँ। ठीक है ना, बेटर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज गिव बेटर कस्टमर सर्विसेज एंड हायर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स। ठीक है, देखो, अगर आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या आप बोले लॉजिस्टिक्स हैं, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रखी हैं, तो देखिए जब आपका काम अच्छे से चल रहा होता है, सारी चीज़ें एक तरह से मैनेज हुई हुई होती हैं, तो उसमें हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। और अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या लॉजिस्टिक्स में, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। और देखो, जब कस्टमर को सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, उनके नीड्स फुलफिल होंगे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कस्टमर का बढ़ता है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। एट्थ इम्पॉर्टेंस इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग। एट इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए, जब आप सोच रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि मैं जूतों का बिजनेस करूँगी या स्टेशनरी आइटम का बिजनेस मैं करना चाहती हूँ, तो मैं पहले ये देखूँगी कि मेरे पास जो मैं गुड्स बना के रखूँगी, तो मेरे पास इतना वेयर हाउस है क्या, मेरे पास ऐसा वेयर हाउस है कि जिसमें मैं सिर्फ छोटे ही गुड्स रख सकती हूँ, बड़े बड़े गुड्स नहीं बना के रख सकती हूँ, क्या मेरे पास ऐसा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिससे मैं इन गुड्स को डिलीवर कर पाऊँगी जो भी मैं बना रही हूँ। देखो, अगर मैं छोटे गुड्स बना रही हूँ तो ज़्यादा बड़े बड़े मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना, बड़े बड़े ट्रक या ट्रॉलीज नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटे बना रही हूँ तो छोटे में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे बड़े गुड्स बना रही हूँ तो मुझे उन कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए बड़ा ही उसमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये से मैंने आपको दो एग्जांपल बताए। तो देखिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, मतलब जब हम सोच रहे होते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे उसका डिज़ाइन रहेगा, किस टाइप का हमें बनाना है, किस साइज़ का हमें बनाना है, तो उसमें आपका लॉजिस्टिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मतलब उस प्रोडक्ट प्लानिंग को मतलब अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको ये वाली सारी एक्टिविटीज़
जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो. फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया आप बड़ा प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना, फ्रिज या वॉशिंग मशीन आप सोच रहे हो कि आप वो बनाओगे, लेकिन आपके पास वेयर हाउस ही नहीं है उन मशीन उन फ्रिज या एसी वगैरह को रखने के लिए. आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आ रहा है, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े वेयर हाउस में ही आप रख सकते हो, और इन बड़ी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए ही बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट आपको, मतलब कोई ट्रक चाहिए, कोई कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है. तो आप अपने बजट के हिसाब से ही सारा काम करते हैं. तो पहले आपको यही देखना है कि आप क्या कैपेबल हैं इस टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या आपका जो लॉजिस्टिक्स है वो कैपेबल है, जो आप फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इन प्रोडक्ट से मैच कर पाएगी. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है. तो यहाँ पर तभी हमने लिखा है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग. फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है प्रोडक्ट प्लानिंग पे. ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्ट प्लानिंग. वाइल टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग साइज, वेट, पैकेजिंग, प्राइस एक्सेट्रा, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में कि हम साइज कैसा रखेंगे प्रोडक्ट का, पैकेजिंग कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ठीक है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी चाहिए. जैसे कि हाँ यही है, ठीक है, तो वही बात है कि आपको पहले अपना लॉजिस्टिक्स को देखना है कि आप कितना इसमें एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, ठीक है ना. वेयर हाउस बड़ा आप अफोर्ड कर सकते हैं छोटा, या ट्रांसपोर्ट आप बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं छोटा, फिर उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है. तो ये दो आज मैंने आपको इम्पोर्टेंस करवाई है. कल की क्लास में हम 9th और 10th करेंगे, फिर हमारा इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है. तो ये थी आज की हमारी क्लास. अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप आपसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले बाय.